नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। झूठ बोलने का कंपटीशन हो और कहा जाए कि कौन सबसे ज्यादा और अच्छा झूठ बोलेगा, तो इसमें सबसे पहला नाम जिसका आएगा उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खबर सुनेंगे तो जान जाएंगे। चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई है। दोनों ही देश जल्द ही सेनाओं को बारी बारी से हटाने की योजना का काम लागू कर देंगे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि सेना को हटाने की योजना को इस आधार पर लागू किया जा रहा है कि भारत ने अपनी सेना को सबसे पहले गैर कानूनी तरीके से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भेजा था और उसे अपनी सेना को पहले हटाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को सूत्रों के हवाले से छापा है कि सेनाओं को हटाने के फैसले का नियंत्रण रेखा और सीमा के मुद्दों को लेकर दोनों देशों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सूत्रों ने कहा कि चीन सीमा पर शांति बनाए रखने को प्रतिबद्ध है, साथ ही चीन अपने इस प्रण पर कायम है कि वो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता की सुरक्षा करेगा। यहाँ पर एक जानकारी आपको देते चले कि इससे पहले शुक्रवार को ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय मीडिया में आई पेंगोंग झील के फिंगर फोर से पीछे हटने की खबर का खंडन किया था। अखबार ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में अग्रिम मोर्चों से भारत और चीन के सैनिक, टैंक, तोप और हथियारों से लैस वाहनों को वापस लेने पर कोई सहमति नहीं बनी है। ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारतीय मीडिया में आई इस तरह की खबरें गलत हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये दोनों पक्षों के उनके स्थापित लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक नहीं है। इससे पहले भारतीय मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बनी आपसी सहमति के अनुसार अब पीएलए अपने सैनिकों को फिंगर 8 से पूरब की तरफ धकेलेगा, जबकि भारतीय सैनिक पश्चिम की तरफ फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच धनसिंह थापा पोस्ट की तरफ पीछे जाएंगे। ये काम चरण दर चरण पूरा होगा। फिंगर 3 से फिंगर 8 तक का इलाका बफर जोन की तरह से होगा, जिस पर कोई गश्त नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन का भोको ग्लोबल टाइम्स झूठ बोल रहा है और अपने झूठ से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन कितना बड़ा झूठा है।